हाय कुकोहोलिक्स, मेरे किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम फेस्टिव सीजन की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर आपको केक बनाना है लेकिन आपको उसका बेस ही नहीं पता कि कैसे बनेगा तो वो केक कभी तैयार ही नहीं हो सकता। तो वही मैं आपको आज सिखाऊंगी। हम बनाएंगे केक के बेसिक्स, यानी कि जब भी आप सेलिब्रेट करते हैं घर पे, कोई भी त्यौहार होता है, आपको जब बेक करना हो, केक्स बनाने हो, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाली हूँ चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश एक चॉकलेट सॉस है जो आप चॉकलेट केक्स पे खाते हैं, आपके बच्चे खुश होके खाते हैं। इनफैक्ट आई थिंक एवरीबडी लव्स चॉकलेट। तो उसी वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट यानी चॉकलेट से हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। अगर आपको चॉकलेट गनाश बनाना आ गया तो आप किसी भी चॉकलेट कपकेक या चॉकलेट केक की बहुत ही बेहतरीन आइसिंग कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं चॉकलेट गनाश बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम एक सॉस पैन लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे क्रीम। क्रीम को हम एक उबाल देंगे। अब आप देख सकते हैं ये उबलने लग गया है। क्विक स्टर ताकि ये क्रीम जले नहीं। को गैस से सबसे पहले उतार देते हैं और मैं अपनी गनाश बनाती हूँ, अपनी चॉकलेट गनाश बनाती हूँ। जितनी भी चॉकलेट्स मेरे घर पे बची होती हैं और उसको खा खा के थक जाते हैं, वही मैं अपनी चॉकलेट गनाश में डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें एक अलग फ्लेवर आता है, प्लस जो आपकी बची हुई चॉकलेट्स हैं वो यूज़ हो जाती हैं। तो जितनी क्रीम है उतनी ही हम इसके अंदर चॉकलेट डालेंगे। हम इसको ढक देंगे। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक ढककर रखेंगे। उसके बाद एक क्विक स्टर एंड आवर चॉकलेट गनाश विल बी रेडी। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे धीरे धीरे स्टर करेंगे। और इसमें जितने हमारे पास चॉकलेट थी, जितने फ्लेवर्स थे, वो सारे इसके अंदर जा चुके हैं। इट्स स्मेलिंग रियली गुड। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, नॉर्मल सॉल्टेड बटर है। तैयार हो गई हमारी चॉकलेट गनाश। इसको हम ठंडा करेंगे। यह है एक पाइपिंग बैग, डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग, बहुत आसानी से मिल जाता है। इसको एक ग्लास के ऊपर ऐसे चढ़ा दीजिए और इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे हम अपना चॉकलेट गनाश। और ये तैयार हो गया हमारा स्मूथ एंड सिल्की चॉकलेट गनाश। इसको हम चिल करेंगे फ्रिज में और उसके बाद अपने कपकेक्स और केक के ऊपर आइसिंग करेंगे इससे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे।